नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, प्यार भरा नमस्कार मेरे दोस्तों सभी को। और दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट कमिंग ऑन द पॉइंट, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि टाइम इज इक्वल टू मनी होता है दोस्तों। तो आपसे सिर्फ एक छोटा सा इतना रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगे कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम आ रही है या फिर आपके फ्यूचर में काम आ सकती है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और कोई आपका जानकार दोस्त हो जिसको आइडेंटिफिकेशन करनी हो लैब्राडोर के रिगार्डिंग, तो उनके भी जरा ये वीडियो शेयर करके कर सकते हैं आप। तो दोस्तों आते हैं कमिंग पॉइंट के, इस समय एक प्योर ब्रीड लैब्राडोर को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। दोस्तों देखिए, जैसे तरह के मेरे हाथ में एक लैब्राडोर पपी इस समय अवेलेबल है, ये लैब्राडोर है। इसको पहले आप ऑल ओवर देख लीजिए, ऑल ओवर में आपको कुछ डेफिनेटली देखिए। तो दोस्तों पहला पॉइंट आता है इसके अंदर में आपका पंचिंग फेस। पंचिंग फेस क्या होता है, लैब्राडोर का फेस जो होगा हमेशा वो पंचिंग होगा। पंचिंग इन द सेंस सामने से थोड़ा सा बंद होगा, ना कि चोंच की तरह निकला हुआ होगा, जैसे कि आप डॉबरमैन या फिर अदर ब्रीड के अंदर देखते हैं, उस तरह का कोई फेस नहीं होता, ये पंचिंग फेस में होता है। देखिए पास से आप देखना चाहेंगे तो पास से आप देख सकते हैं इस बच्चे को, देखें हल्का सा अंदर की साइड फेस है। सेकंड पॉइंट आता है इसका एप्पल कट फेस। एप्पल कट फेस क्या होता है दोस्तों, लिप्स जो होते हैं वो एप्पल की तरह होते हैं, एप्पल कट फेस इसको बोला जाता है दोस्तों। देखिए ये जो लिप्स हैं वो आपके एप्पल कट फेस की तरह इससे मैं आपको शो कर रहे होंगे। और साथ में देखिए इसके लिप्स जो होते हैं वो साइड से थोड़े से लटके हुए रहते हैं, लटके हुए। देखिए एक लिप्स होगा, दूसरे लिप पे चढ़ा हुआ होगा इस समय, जैसे आप देख पा रहे हैं इस समय। और तीसरा इसके नेक्स्ट में जो आपकी आइडेंटिफिकेशन आती है दोस्तों, आते हैं ईयर्स जो होंगे हमेशा वो हमेशा कान पट्टी से चिपके हुए, जो आपके साइड के जो हेड होते हैं हेड से चिपके हुए रहेंगे, मतलब लटके हुए रहेंगे, ना के फ्लाइंग इन द सेंस, ना के ईयर इस तरीके से होंगे, ना खड़े हुए होंगे, ना हल्के से इस तरीके से कोई, मतलब अगर ईयर फ्लाइंग कर रहे हैं या ईयर खड़े हो रहे हैं तो समझ लो वो लैब्राडोर है नहीं, या फिर वो मिक्स लैब्राडोर है। साथ इसके बाद में आता है टेल। टेल हमेशा जो होता है लैब्राडोर का स्ट्रेट रहेगा दोस्तों, स्ट्रेट इन द सेंस सीधा, और साथ में शॉर्ट टेल रहेगा। देखिए इसकी आपको मेजरमेंट आइडिया लग जाएगा मेरे हाथ से ही, टेल हमेशा शॉर्ट रहेगा इसका। तो दोस्तों जैसे हमने जाना, पंचिंग फेस, एप्पल कट, ईयर जो होंगे आपके कनपट्टी से सॉरी हेड से चिपके हुए, थोड़े नीचे लटके हुए मिलेंगे आपको, लटके हुए मिलेंगे, वी शेप में रहेंगे, फ्लाइंग या स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं आएंगे, टेल हमेशा शॉर्ट रहेगी। और सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन लैब्राडोर में ये रहता है कि अगर आप गोल्डन कलर या व्हाइट जिस तरह का आप बोलते हैं उस कलर में अगर आप बच्चा ले रहे हैं, तो उसके अंदर कोई भी ब्लैक कलर का बाल आपको दूसरा नहीं मिल सकता दोस्तों। और उसी वही बात आती है आपकी ब्लैक लैब्राडोर के ऊपर, ब्लैक लैब्राडोर में भी सेम है आपका। अगर आप ले रहे हैं बच्चा ब्लैक लैब्राडोर के अंदर में, तो उसके अंदर भी आपको कोई भी बाल, आपको इवन सिंगल हेयर भी आपको व्हाइट गोल्डन दूसरा कलर मिक्सिंग नहीं आ सकता, ना कोई पैच उसके अंदर आ सकता है। बाकी बाद में आता है आपका बॉन्स, बच्चा कितना अच्छा हेल्दी है उसके आपको पॉज से पता लगेगा कि बच्चे थोड़े मजबूत होने चाहिए। तो देखो ये नेचुरली हमारे अंदर ह्यूमन में थोड़ा सा हमको पता ही होता है कि बच्चा हेल्दी दिख रहा है तो डेफिनेटली मजबूती होना चाहिए। तो ये आपके पॉज पंजे के ऊपर। और इसके अलावा जानते हैं इसके बिहेवियर के लिए, तो दोस्तों ये एक फ्रेंडली डॉग है। फैमिली के लिए अभी तक की मेरे पर्सनल तजुर्बे में लैब्राडोर से अच्छा कोई ब्रीड मेरे को लगता नहीं है कि फ्रेंडली के हिसाब से होगा, क्योंकि ये ना कभी एग्रेसिव होता। और बात रही इसकी सिक्योरिटी को लेकर, तो दोस्तों सिक्योरिटी में आप इस लैब्राडोर को आप जरूर आप ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन जितनी सिक्योरिटी आप जर्मन शेफर्ड डॉबरमैन बाकी ब्रीड से एक्सेप्ट करते हैं, उस तरह की सिक्योरिटी में आपको काम नहीं आएगा दोस्तों। लेकिन हाँ, कहते हैं कहावत है कि एक सांप जहरीला हो ना हो वो फुफकारता है तो दुनिया डरती है, तो सेम इन द सेंस लैब्राडोर एक ह्यूज ब्रीड होती है, भौंकते हैं तो डेफिनेटली सामने वाले को लगता ही है कि ये थोड़ा सा खौफ तो दोस्तों हर कोई खाता है। 14 ईयर्स से लेकर 15 ईयर्स की 14 से 15 साल का इनका एक लाइफ साइकिल होता है, लेकिन कह के चले तो 12-13 साल भी इनका आ जाए तो बहुत बड़ा रहता है, अच्छा एक लाइफ साइकिल रहता है दोस्तों। और इंडियन क्लाइमेट को ये फुल्ली एक्सेप्ट करते हैं, आपको इस तरह की कोई अननेसेसरीली जैसे परमानेंटली एसी वगैरह हो गया इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट इसको नहीं होती है। लैब्राडोर को रफ एंड टफ ब्रीड है, डिजीज इंडियन डिजीज के अंदर चलें तो ज़्यादा ये जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं आर्मी में आपको लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड ही बहुत ज़्यादा मिलेंगे, एक तरह का स्निफर डॉग है दोस्तों, सूंघ के पहचानने की बहुत ही ज़बरदस्त इसमें ताकत होती है। और ट्रेनिंग तो इसका सबसे ज़्यादा आसान पड़ता है दोस्तों, बहुत ही ईजी ये ट्रेंड हो जाते हैं दोस्तों। तो चलिए आई होप सो आप कुछ ही टाइम हुआ है तो मैंने आपको लगता है मुझे मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करी है अपने तजुर्बे के हिसाब से। तो कहीं मिस्टेक मैंने करी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या कुछ मैंने मिस किया हो तो वो भी ज़रूर बताएं। आई होप सो अच्छा लगे तो ही आप इसको चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज प्यार मोहब्बत आपका बना रहना चाहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।